फिल्म दंगल में आमिर खान की छोटी बेटी बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली सुहानी भटनागर का निधन हो गया। सुहानी केवल 19 साल की थी, ऐसे में इतनी कम उम्र में निधन होने से फैंस को तगड़ा झटका लगा है। हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिरकार सुहानी का निधन कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनके पैर में इस एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होने के बाद सुहानी कुछ दवाएं ले रही थी, मगर लंबे समय तक दवा खाने के चलते उनके शरीर में लिक्विड जमा हो गया। इसी के चलते सुहानी का इलाज भी दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। बताते चले कि सुहानी भटनागर एक्सीडेंट के बाद जो दवाएं ले रही थी उनका इस कदर सुहानी के शरीर पर साइड इफेक्ट हुआ कि उनके शरीर में धीरे धीरे तरल जमा होने लगा था। इसके चलते एक्ट्रेस का निधन हो गया। सुहानी के निधन के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबको सदमा लग गया है। किसी के लिए भी यकीन कर पाना मुश्किल है कि इतनी कम उम्र में सुहानी ने आखिर कैसे दुनिया छोड़ दी।